नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2021 में सभी जिलों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च स्थान और इंटरमीडिएट में ब्लॉक स्तर पर टॉप करने वाली मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन बांटे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जनता दर्शन हॉल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बाल कल्याण निधि के अंतर्गत संचालित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में टॉपर छात्राओं को स्मार्टफोन दिए। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही मैत्री नाम से छात्राओं के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में अनेक निर्णय लेकर उन पर काम शुरू किया है। 24,000 रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन को निःशुल्क किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालिकाओं को शक्ति का प्रतीक बताते हुए छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने बचपन से दो बातें जीवन में अपनाई हैं, अनुशासित रहना और अपने कमिटमेंट का पक्का होना। आज का युग आईटी का युग है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ा है। इसे देखते हुए हमने प्रदेश की सरकारी स्कूलों की कक्षा 10 और 12 और डिग्री कॉलेजों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया है और इसे जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम अपनी हर घोषणा को पूरा कर रहे हैं। जो काम शुरू कर रहे हैं उसे पूरा भी करेंगे। जो भी राहत पैकेज घोषित किए उनकी राशि लाभार्थियों के खातों में जानी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि साधारण परिस्थितियों में जन्मे लोग असाधारण की यात्रा करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण में काफ़ी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन में पूरे देश में शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महत्वपूर्ण है। सीएम धामी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का पूरा सदुपयोग करें। जो भी काम करें पूर्ण मनोयोग से करें। एक बार किसी लक्ष्य का संकल्प लें तो उसे विकल्प के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।